हेलो दोस्तों, मैं हूं अश्विक। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वृंदावन में स्थित श्री बांके बिहारी मंदिर के 10 तथ्यों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, श्री बांके बिहारी मंदिर वृंदावन में श्री कृष्ण जी का सबसे बड़ा मंदिर है। यहां आए दिन सैकड़ों श्रद्धालु आते हैं और श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करते हैं। लेकिन इस मंदिर के बारे में ऐसे कई रहस्य हैं जो दर्शन करने आने वाले अधिकतर श्रद्धालु नहीं जानते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा ऐसे ही कुछ 10 तथ्यों के बारे में। आइए जानते हैं। नंबर 1, स्थापना। श्री बांके बिहारी मंदिर की स्थापना स्वामी हरिदास जी ने 1860 में की थी। स्वामी हरिदास जी प्राचीन काल के मशहूर गायक तानसेन जी के गुरु थे। नंबर 2, मूर्ति प्रकट। स्वामी हरिदास जी भगवान कृष्ण के भक्त थे। वे निधिवन में भजन आदि गाकर श्री कृष्ण की भक्ति किया करते थे। उन्हें राधा कृष्ण दर्शन दिया करते थे। एक दिन वृंदावन के लोगों ने हरिदास जी से कहा कि वे भी राधा कृष्ण के दर्शन करना चाहते हैं। तब हरिदास जी ने राधा कृष्ण की आराधना कर लोगों की बात उनसे कही। ध्यान में पूजन के बाद जब उन्होंने आंखें खोली तो इस मूर्ति को अपने समक्ष पाया। नंबर 3, मंदिर बनने से पहले निधिवन में होती थी पूजा। मूर्ति प्राप्त होने के बाद स्वामी हरिदास जी ने शुरुआत में तो बांके बिहारी जी की निधिवन में ही सेवा की। फिर जब मंदिर का निर्माण कार्य संपन्न हो गया तब उनको मंदिर में आम जनता के दर्शन के लिए स्थापित किया गया। नंबर 4, राधा कृष्ण का विग्रह रूप है बांके बिहारी। बांके बिहारी राधा कृष्ण का विग्रह यानी सम्मिलित रूप है। यही कारण है कि बांके बिहारी जी के श्रृंगार में आधी मूर्ति पर महिला और आधी मूर्ति पर पुरुष का श्रृंगार किया जाता है। नंबर 5, मूर्ति के आगे हर 2 मिनट में लगाया जाता है पर्दा। श्री बांके बिहारी जी की मूर्ति के आगे हर 2 मिनट के अंतराल पर पर्दा लगाया जाता है। इसके पीछे मान्यता है कि उनकी छवि को लगातार प्रेम पूर्वक एक टक निहारते रहने से वे भक्त की भक्ति के वशीभूत होकर उनके साथ चले जाते हैं। नंबर 6, मूर्ति की आंखों से आंखें मिलाते हैं भक्त। बांके बिहारी सिर्फ प्रेम के भूखे हैं। वही मान्यता है कि वे भक्त की भक्ति के वशीभूत हो जाते हैं। इसलिए इस मंदिर में आकर आंखें बंद करके पूजा नहीं की जाती, बल्कि बांके बिहारी की आंखों में आंखें डालकर उन्हें निहारा जाता है। कहा जाता है कि बांके बिहारी की मूर्ति में ऐसा आकर्षण है जो भक्त को अपनी ओर खींचता है। उसकी आंखों से स्वयं आंसू गिरने लगते हैं। नंबर 6, विहार पंचमी के रूप में मनाया जाता है प्राकट्य दिवस। बांके बिहारी की मूर्ति मार्ग शीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को निधिवन में स्थित विशाखा कुंड से प्रकट हुई थी। बांके बिहारी की प्राकट्य तिथि को हर साल विहार पंचमी के रूप में बड़े ही उल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन वृंदावन में कई धार्मिक आयोजन होते हैं। विहार पंचमी के दिन ही चरणामृत के स्थान पर भक्तों को पंचामृत बांटा जाता है। नंबर 7, सिर्फ जन्माष्टमी पर होती है मंगला आरती। बांके बिहारी जी के मंदिर में मंगला आरती साल के केवल एक दिन जन्माष्टमी को होती है। इस दिन बांके बिहारी जी के दर्शन सौभाग्यशाली इंसान को ही प्राप्त होते हैं। नंबर 9, अक्षय तृतीया पर होते हैं चरण दर्शन। बांके बिहारी जी के चरण दर्शन केवल अक्षय तृतीया के दिन ही होते हैं। मान्यता है कि इन चरण कमलों का जो दर्शन करता है उसका बेड़ा पार हो जाता है। नंबर 10, इसीलिए कहा जाता है बांके बिहारी। भगवान कृष्ण को बांके बिहारी नाम स्वामी हरिदास जी ने दिया था। भगवान कृष्ण की हर मुद्रा को बांके बिहारी नहीं कहा जाता, बल्कि 3 कोर पर झुकी हुई मुद्रा वाले श्री कृष्ण को ही बांके बिहारी नाम से पुकारा जाता है। 3 कोण यानी होठों पर बांसुरी लगाए, कदम्ब के वृक्ष से कमर टिकाए और एक पैर में दूसरे पैर को फंसाई हुई मुद्रा में श्री कृष्ण को बांके बिहारी कहा जाता है। तो दोस्तों, ये थे 10 तथ्य श्री बांके बिहारी जी के मंदिर के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें।